Disclaimer. This channel does not promote any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. Copyright disclaimer under section 107 of the Copyright Act 1976. Allowances made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Indian Penal Code 29A, Electronic Record, Section 2. Cyber stalking means following the person with the intent to harass or embarrass other person. When these acts are committed with the aid of computers and internet, it is termed as cyber stalking. Stalking can be on social media through SMS, phone calls, etc. It often also involves criminal intimidation, Section 503 IPC and extortion. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हॉर्डन्स एंड टीच। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ सामान लेके बैठा हूँ। और ऐसे ही एक दिन एक वीडियो बनाए थे और उसमें बहुत सारा व्यूज आ चुका है, जैसे कि लगभग 5 लाख का व्यूज आ चुका है। तो ये मेरे खुद के लिए और सबके लिए ये बना रहा हूँ ये वीडियो, तो देखिएगा इस वीडियो को पूरा का पूरा। तो ये देखिए कुछ सामान। तो देखिए, अब यहाँ पे मैंने ये जो वाटर गन है इसको मैंने ऑर्डर किए थे, तो इसमें से वाटर स्लो होता है हाई स्पीड से। अगर आपका इनपुट वाटर स्लो हाई होगा तो इसमें से और भी हाई कर देगा ये वाटर स्लो गन। तो इसके साथ नोजल भी इनबिल्ड है। और इसका प्राइस लगा था, आपको मैं दिखा देता हूँ, 511 सिर्फ इसका। और ये 5 मैं अलग से खरीद के लाया हूँ और ये बहुत मजबूत वाला है, देख सकते हैं आप। ये वाला 5 ही लीजिएगा, नहीं तो 5 फट सकता है। और अभी आपके सामने मैं ये सब चीज करूंगा। और इसके लिए थोड़ा सा ये टाई चाहिए और एक SMPS चाहिए, वो मैं दिखा रहा हूं। और मैं इसी SMPS के जरिए बनाऊंगा, ठीक है। ये 20 एम्पेयर का है तो ये बहुत ही अच्छा होगा। और आप सोलर पैनल से भी कर सकते हैं, ये जो मोटर का जो तार है इसको आप डायरेक्टली सोलर पैनल के साथ कनेक्ट करेंगे तो हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल है। और मैं 2 मोटर का इस्तेमाल अभी करने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड मैं इधर इनपुट करूँगा वो डबल स्पीड होंगे तो बहुत बढ़िया होगा। तो और भी पाइप लगेगा थोड़ा सा, तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो इस वीडियो को कृपया पूरा का पूरा देखिए और कैसा लग रहा है ये कमेंट्स में जरूर बताइए। तो अब देखिए, ये एक टी है जो कि मेटालिक टी है, ये पाइप को ज्वाइन करने के लिए होता है। तो यहाँ पे मैं 2 पाइप लगाऊंगा, 2 इनपुट होगा और 1 आउटपुट करेंगे इधर से। तो ये देखिए 2 लगा दिया और दोनों का आउटपुट यहाँ से लेंगे तो ये बढ़िया तरीके से हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये जो टी मैंने लगाया इसको बॉन्ड कर देते हैं इसे यहाँ पे लगा के। तो ये दोनों को अच्छे से आपको टाइट करना है, नहीं तो और इसको बहुत ही अच्छे से आपको टाइट करना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए मैं इसको फुल टाइट कर रहा हूं। अरे अब इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से टाइट नहीं करेंगे तो ये निकल जाएंगे पाइप से, और ये पाइप भी फट सकता है, क्योंकि मैं डबल प्रेशर वाला मतलब डबल प्रेशर इसमें इनपुट करूंगा तो ये भी फट सकता है। तो इससे अच्छा पाइप अगर आपको मिलेंगे तो वो आप इस्तेमाल कीजिएगा, मैं रेफर करूंगा इससे अच्छा पाइप इस्तेमाल करने का। और उसके बाद इसको बहुत ही अच्छे से टाइट कर दीजिए ताकि ये बाहर ना आ जाए, ठीक है। देन आपको यहाँ पे जो बड़ा वाला पाइप मैं दिखाया वो लगा के दिखाऊंगा। अब यहाँ पे इसको होल्ड, अब हम इसको टाई के थ्रू लगा देंगे।
इस तरीके से। लगाने से पहले पाम का आउटपुट इनपुट आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो चाय ये जो होता है ना, ये इसमें इनपुट आउटपुट कभी कभी गलत होता है, मतलब एक साइड में इसका होगा ऐसे नहीं होता। जैसे कि इसका लेफ्ट साइड में आउटपुट है और जो दूसरा है उसका राइट साइड में आउटपुट है, तो दोनों का आउटपुट आपको चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। अब ऐसे में ये तो नहीं हो रहा है, तो दो टाई का इस्तेमाल हम करेंगे। वो कैसे करेंगे, ऐसे देख सकते हैं, और भी लगाएंगे टाई। वैसे आराम से बना सकते हैं, और भी दो दो करके होल बनाना होगा, और बना के मैं टाइट करता हूँ और आप लोगों को बाद में दिखाता हूँ। तो अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, और अब यहाँ पे ये दो और लगेंगे, और ये इसका आउटपुट ये राइट साइड में है और इसका आउटपुट ये लेफ्ट साइड में है। तो ये आउटपुट मैं ही लगा रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, और सिंपल जो बनाए थे पहले वाला वीडियो में, उस वीडियो में इसका इस्तेमाल किए थे, और ये दूसरा है। तो अभी यहाँ पे इसको अच्छे से टाइट करूँगा, और यहाँ पे जो ऑपोजिट साइड का जहाँ पे इनपुट होंगे वो वाला, अगर अभी ये गुटली नहीं लगाएंगे, मतलब ये जो लॉक नहीं लगाएंगे, तब भी चलेगा आपको, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट का पाइप हम लगाएंगे, बड़ा वाला इनपुट का पाइप इधर से। ये आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं नॉर्मली, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये आउटपुट का जो है, इसमें आपको जरूर लगाना होगा लॉक, नहीं तो वो डायरेक्ट फट सकता है। तो ये देखिए, ये दोनों में से पानी जाएंगे, और ये पंप के थ्रू इधर आके ये सिंगल यहां से आउटपुट करेगा। तो अब मेन प्रॉब्लम ये है कि ये जो नोजल का मतलब आउटपुट है टी का, तो इसका ये छोटा सा है थोड़ा सा, और जो पाइप दूसरा पाइप है तो ये थोड़ा सा मोटा है, आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए, तो इसके लिए एक जुगाड़ है मेरे पास। तो ये जो नॉर्मल पाइप है इसको पहले लगा देंगे यहाँ पे, और इस तरीके से लगाने के बाद इसको ऐसे यहाँ से काटेंगे, और काटने के बाद ये जैसे ये जो लॉक है इसको तो लगाना ही होगा, और ऐसे में ये पाइप को पहले लगा देंगे। इस तरीके से पाइप को लगाने के बाद इसको आपको थोड़ा सा मेहनत करके सेट करना है, नहीं तो नहीं होगा, और ये मेटल की तरफ इसको लाना होगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बहुत टाइट कर दिया इसको, और अब इसको भी टाइट करना है, नहीं तो
प्रोजेक्ट आपका फेल हो जाएंगे। अगर ये पाइप फट जाएंगे ये छोटा वाला, तो हम ऐसे ही सेम पाइप छोटा साइज का इसमें इस्तेमाल करेंगे। और अब आ जाइए ये ग्रहण की तरफ, ये जो है इसमें ऐसे हम डाल सकते हैं इसको, तो ये भी काफ़ी मेहनत वाला है। तो ये एक लॉक लगा देंगे पहले, और उसके बाद इसको ऐसे सेटअप करना होगा। तो अब हम यहाँ पे ये लॉक को लगा के टाइट करेंगे। और अब यहाँ पे इसको डायरेक्टली टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं करता है तो ये पाइप जो है इसको बदल के चेंज करेंगे, दूसरा पाइप हम लगाएंगे। अब ये रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार इसको टेस्ट कर लेता हूँ। अब ये रेड वायर जो है, ये रेड वायर दोनों को एक साथ लगा देंगे। और जो ग्रीन वायर है, ग्रीन को भी दोनों को एक साथ लगा देंगे। और ग्रीन है इसका नेगेटिव और रेड है इसका पॉजिटिव। मैं ये वाले से ही करूंगा क्योंकि दूसरे कलर का तार मेरे पास नहीं है। और ये है नेगेटिव। तो अब 12 वोल्ट का बैटरी, कार का अगर बैटरी होता तो बहुत अच्छे से चलता ही है। और याद रखिए ये 150 वाट का है, तो डायरेक्ट सोलर पैनल से उतना अच्छा नहीं होंगे। तो ये नेगेटिव में, नेगेटिव को इसको डालना होगा। मैं SMP का इस्तेमाल करूंगा, आपको बताए थे। और ये है पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव V+ में इसको लगाना होगा। यहाँ पे V+ है, एक बार देख लीजिए यहाँ पे V+, तो ये V+ में हम इसको लगाएंगे। और बैटरी से भी इसको चला के दिखाएंगे आपको वो लास्ट में। और ये अभी SMP से चलाऊंगा इसको। तो देखिए ये बिल्कुल कनेक्शन हो चुका है, और इसके बाद हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो टेस्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं सेट कर दिया, आप देख सकते हैं। और अब इसको टेस्ट करके देखूंगा। तो अभी देखिए यहाँ पे इसका इतना प्रेशर है, आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर, पहले जो बनाए थे उससे बहुत ज्यादा प्रेशर है। और इसको अगर हम
ये देखिए कितना दूर जा रहा है मालूम है आपको, यहाँ पे देखिए ये बहुत ही तेज है, ठीक है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखिए कितना यहाँ पे मार्ट वगैरह लग चुका है, ठीक है। और इसका नॉइज़ लगा छोटा कर देंगे तो देख सकते हैं केसर तो ये तो केसर ही हो। হ্যাঁ নিয়েছো।